First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh. हेलो व्यूअर्स, आगे आपका अपना आपका चाहिए क्रिश एलेक्स लेके आरटी के एक और बहुत ही फ्रेश एपिसोड मैं वापस आ गया तू फिर से डरेगा दोस्तों इस एपिसोड में मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं आई एम आर्ट डायरेक्टर एक ट्रिब्यूट के तौर पे तो टाइम देने के लिए चलिए शुरू करते हैं सो यार ये मेरा सबसे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था अब तक का जो मैं जितने भी प्रोजेक्ट मैंने बनाया उन सब में सिर्फ अच्छा प्रोजेक्ट था ये तो इसके ट्यूटोरियल बनाने के लिए मैंने कुछ इसके पार्ट्स कुछ डिज़ाइन किए उन्हें प्रिंट करवाया और कार्डबोर्ड पे पेस्ट करके उनके कटआउट्स निकाल लिए कुछ इस तरह ऐसे कटआउट्स निकाल के उन्हें सबको एक साथ असेंबल कर लिया आप ये देखिए और जिन्हें वीडियो नहीं देखनी वो म्यूजिक में जाती थी असेंबल होने के बाद मैंने उसको कलर किया और कलर करने के बाद वो कुछ ऐसा दिखा ये उसका बैक पार्ट है ये उसका फ्रंट पार्ट जो कि उसका डिज़ाइन होता है वो है एक ट्रांसपेरेंट शीट जो कि इसके पीछे लगेगी कुछ इस तरह और एक वाइट कार्डबोर्ड का पीस छोटा सा ये इसलिए क्योंकि इस पर हमारी पूरी LED लगेगी तो यार मैंने जो उसका मेन बॉडी है उसमें एक होल किया है इस साइड यहाँ पे इससे स्विच को लगाने के लिए मुझे जानबूझ के ये स्विच लगाना पड़ रहा है क्योंकि इससे छोटा सा ध्यान में मिला है और एक ये हम देख सकते हैं ये एक चार्जर है आप आने अंदर जो आर्टिस्ट में जो बैटरी लगेगी उसको चार्ज करने के लिए तो यार चलिए LEDs को शोर कर लेते हैं सो यहाँ पे मैं कुछ इस टाइप के LEDs यूज़ कर रहा हूँ जो कि एक 4.5 वॉट्स की LEDs है तो यहाँ पे मेरे पास टोटल है 6 LEDs मुझे आर्करेक्टर में लगाने के लिए मैं पहले उसे इस पेज में सेट करूँगा उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ सो यार LEDs अपनी जगह पर पूरी तरह फिक्स हो चुकी हैं तो बस इसमें बचा है वो वायर शो करें वो वायर शो करता हूँ उसके बाद करता हूँ सो यहाँ पे हमारी पूरी LED शो हो चुकी है जिसके आप देख सकते हैं पूरी LED एक से शो हो चुकी है यहाँ पे हर LED में दो टर्मिनल है जब देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव फिर यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव और दोनों से टर्मिनल तो हमने सारी LEDs को एक साथ इंटरकनेक्ट कर दिए जिससे हमें आसानी हुई शोल्डिंग करने में सो इसे टेस्ट करके देखते हैं तो यहाँ पे यार मैं यूज़ करने वाला हूँ ये एक लिथियम आयन बैटरी जो कि 4.5 वॉट्स की है तो इसे टेस्ट करते हैं नेगेटिव ओह यार ये बहुत तेज़ है और बहुत आँख में चुभती है पता नहीं आपने कैमरे में दिख पाया होगा कि नहीं मैं बस फिर दिखा दूँ देखिए कैमरे में कितना तेज है LED अगर मैं इसके सामने ये अगर लेके ये वो ट्रांसपेरेंट शीट है जो हम इसमें लगाने वाले अभी भी वही हाल है सो या अब जल्दी से जल्दी इसे असेंबल करते हैं हमारे आर्ट डायरेक्टर तो ये हमारा वो मिडिल पार्ट है जो कि आर्ट डायरेक्टर की एकदम बीचों बीच में लग जाता है यहाँ वाले में इसलिए आपको लगा के दिखा देता हूँ सिंपली यहाँ से अंदर ये लग गया जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा आर्ट डायरेक्टर आधा तक कंप्लीट होने लग गया मतलब पूरा ही हो गया मतलब उसके बाद जो होगी वो हमारी ये LED स्ट्रिप यहाँ पे मैंने ये दो वायर एक्स्ट्रा शॉर्ट कर लिए मतलब क्योंकि टर्मिनल्स को थोड़ा लंबा कर लिया और इसे भी इंस्टॉल कर ही लेते हैं सो यार वो हमारी LEDs भी इंस्टॉल हो गई हैं अब जो बचा है तो वो है बस यहाँ साइड में एक स्विच लगाना और
ये स्टर्मिनल पे बैटरी कनेक्ट करना है। तो क्या ये बहुत सिंपल है, बस जैसे हम बैटरी और स्विच को कनेक्ट करते हैं वैसे ही लगाएंगे इसको। इसलिए हमारा स्विच भी लग चुका है, और स्विच में दो वायर शोल्ड करनी है और इसे बैटरी के साथ कनेक्ट करनी है। तो मैं करके बताता हूँ। To listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town. यहाँ पे हमारा ये पूरा आर्ट रेडी हो चुका है, जिसकी आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर पूरा शोल्डिंग का वर्क कर चुका है। बस ये बैटरी अंदर फिक्स करनी है और इसके पीछे का कैप लगाना है। एक बार मैं आप सभी को जला के दिखा दूँ, या ये कैमरे में कैसा दिखेगा ये मुझे नहीं पता अभी, लेकिन ये थोड़ा ब्राइट दिखेगा। आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा ब्राइट है। इसको मैं पहले फिर सिंपली बस इसको ऐसा लगा दूँगा और ये हो गया। अब बस ये पूरी वायर्स को एक साथ अंदर करना है और इसके पीछे की कैप लगानी है। ये है हमारी वो पीछे की बैक कैप, जो इसके हम बस इसके ऊपर लगा के हमें सील कर देना है कुछ इस तरह। बस यहाँ पे मैं इसे फेविकोल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो बस इसे लगा के सील कर देते हैं। कंप्लीट हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं। ये क्या प्रीमियम लुक दे रहा है यार ये। सो यार ये कुछ ऐसा लुक देता है अपने चेस्ट के अंदर। इसे ब्लैक टी शर्ट में ट्राई कर सकते हैं, ये ब्लैक टी शर्ट में रख सकता है। गाइस ये ब्लैक टी शर्ट में तो ज्यादा अच्छा लगता है। अगर आप बना रहे हैं ये चीज तो इसे ब्लैक टी शर्ट में ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मस्त दिखता है, खासकर तो जो इसके ये डिजाइन से पूरे वो। तो चलिए मैं आपको कुछ इसके सिनेमैटिक शॉट दिखाता हूँ। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जय जवाहर एंड ऑफ कोर्स प्रेज द लॉर्ड।